हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अलमंडा के प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अलमंडा का प्लांट है। फ्रेंड्स, इसमें अलमंडा में दो वैरायटी आती हैं। एक अलमंडा की बूस वैरायटी आती है जो पौधे की तरह चलती है, और एक ये मेरे पास जो है ये अलमंडा की वाइन वैरायटी है, क्लाइंबर है। ये देखिए, ये ऊपर तक, ये ऊपर मेरे ऊपर वाली छत पर रेलिंग में बंधी हुई है। ये देखिए ऊपर की तरफ फ्लावर भी आए हुए हैं, और ये मेरी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर रखी हुई है। ये देखिए, गमले में लगी है ये, और यहाँ रखी हुई है। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखिए इसकी मिट्टी, ये मिट्टी में 50% नॉर्मल सॉइल, 25% वर्मी कंपोस्ट और 25% सैंड, क्योंकि इसकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, पानी डालने के बाद सौगी नहीं होनी चाहिए, और ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी तुरंत निकल जाना चाहिए इससे। और फ्रेंड्स, इसे थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद है, और फरवरी में इसमें नई ग्रोथ, ये देखिए नई ग्रोथ चालू हुई थी। सर्दियों में ये पौधा उसमें डोरमेंसी में चला जाता है, इसमें जनवरी में सभी पत्तियां इसकी गिर जाती हैं, फरवरी में उसके बाद ये नई नई ग्रोथ शुरू होती है। ये देखिए, यहाँ भी बर्ड्स आई हुई हैं, सब में कलियाँ बनी हुई हैं। मार्च से इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। ऊपर की तरफ देखिए, अभी आपको दिखाया था ना, ऊपर की ओर फ्लावरिंग हो रही है, छत पर, जहाँ पर छत पर बंधी हुई है। और खाद की, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको वर्मी कंपोस्ट तो चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए पोटाश चाहिए इसको, और इसे एप्सम सॉल्ट भी पसंद है, उसे भी आप थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इसमें आधा चम्मच इसमें इसे मिट्टी को ऐसे ऊपर भी ऐसे ऐसे मिला सकते हैं, उसमें आधा चम्मच मिट्टी में डालकर। और पोटाश के लिए, इसे जो लोग केमिकल की तरफ हैं तो उनके लिए तो NPK 1919 बेस्ट है, और ऑर्गेनिक के लिए मस्टर्ड केक सबसे अच्छा है। मस्टर्ड केक का पाउडर बनाकर इसमें 2-3 चम्मच मिट्टी में ऐसे ऐसे करके, मिट्टी ऊपर से 1-2 इंच गुड़ाई करके मिट्टी में ऐसे ऐसे मिला दीजिए 2-3 चम्मच। और लेकिन गर्मियों में 15 अप्रैल के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं। फिर उसके बाद ठोस सॉलिड वाला फर्टिलाइज़र मत दीजिए, लिक्विड ही दीजिए। और सनलाइट की बात करें तो ये सन लविंग प्लांट है, इसको पूरी सन में रखिए, इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी धूप है इसको 4-5 घंटे की। और लिक्विड अब 15 अप्रैल से, अभी आप अभी इसमें थोड़ा सा वो मस्टर्ड केक का पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन 15 अप्रैल के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दीजिए, फिर पाउडर फॉर्म में मत दीजिएगा। ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे ये बहुत हार्डी प्लांट है, एक बार आप लगा लेते हैं तो सालों साल आपके यहाँ
बना रहेगा। और पेस्ट की बात करें तो इसमें पेस्ट अटैक के चांस बहुत कम होते हैं। मेरे यहाँ तो कभी इसमें पेस्ट नहीं लगा है, 5 साल से है ये प्लांट मेरे पास। और अगर बाई चांस कहीं किसी के उसमें लग भी जाता है तो आधा चम्मच, वो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम, आधा चम्मच हैंड वाश लिक्विड मिला लें, और कोई भी लिक्विड हैंड मिला लें, लिक्विड सोप, और 1 चम्मच नीम ऑयल मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। वैसे इसमें बहुत कम चांस होते हैं पेस्ट के। और जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।